बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। जैसे कि एक बार मैंने बताया था कि दीज आर टू बॉल्स, इस साइड भी हैं, सो इस तरह ये डाउन मूव करेंगी, और जब यहाँ पे ये चारों बॉल होंगी तो इनकी एनर्जी सबसे कम होगी, राइट? सो दिस इज द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, और इसे हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। कि अब ये बॉल सारी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, जब हमको चीज़ें जो है वो कांस्टेंट दिखने लगें तो समझ लो कि वो इक्विलिब्रियम आ गया। बट ये इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब हम बॉल की बात करते हैं तो। अब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो सकता है, इसको समझना है। देखो तो इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम होने की कंडीशंस क्या है? केमिकल रिएक्शन में देखें तो पहली बात यह है कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए। बिना रिवर्सिबल हो, कोई भी रिएक्शन जो रिवर्सिबल ना हो और उसमें इक्विलिब्रियम हो, ये इम्पॉसिबल है। तो रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। दूसरा पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है? अब इस पॉइंट क्या मतलब इस पॉइंट का, वो भी हम समझेंगे। और आपने थर्मोडायनामिक्स से सीखा था कि जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। एट इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, ये हम पुट करते हैं इक्विलिब्रियम पे। ओके बच्चों, अब इन पॉइंट को हम समझते हैं, किसी रिएक्शन में कैसे इक्विलिब्रियम आ सकता है ये हम समझते हैं, ठीक है? क्या मैं इन पॉइंट को इरेज कर सकता हूँ? ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यू नो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या रिएक्टेंट का फॉर्मेशन? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का सर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। और बैकवर्ड का मतलब रिएक्टेंट वापस पाना, ठीक है? ओके बच्चों। यस सर। सपोज बच्चों कोई रिएक्शन है ए प्लस बी से सी प्लस डी, पहले बताओ मुझे ये रिएक्शन कब रिवर्स हो सकती है, किस कंडीशन पे ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है? सर जब रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो और प्रोडक्ट का ज्यादा हो तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो रिवर्स हो सकती है। ओके। और रेट ऑफ फॉरवर्ड जो मैं लिख रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ये कैसे हो सकता है? रेट का क्या मतलब समझते हो आप लोग? व्हाट डू मीन बाय रेट? अमाउंट टाइम टाइम ओके।
सर वो रिएक्शन कितने टाइम में हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इक्वल होना चाहिए। रेट का मतलब बच्चों स्पीड से होता है, रेट को हम स्पीड कह सकते हैं, और रेट का मतलब होता है रिएक्शन में। अगर मैं टाइम टी इक्वल टू जीरो करूं, क्या टाइम जीरो होता है क्या? नहीं, बट टाइम टी इक्वल टू नो जीरो का सर, मतलब क्या होता है? रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू जीरो मतलब क्या बच्चों? रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड। स्टार्टेड 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 दैट मीन यू हैव रिएक्टेंट मोल्स ओनली, प्रोडक्ट की अमाउंट नहीं है, ऐसा हम थियोरेटिकली कह सकते हैं। ठीक है, तो सपोज यस सर, हमने रिएक्टेंट के मोल्स ए मान लिए और रिएक्टेंट बी के मोल्स बी मान लिए एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। किसी टाइम टी पर ए के कुछ मोल डिक्रीज होंगे, सपोज कि एक्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन का कॉफिशेंट क्या है? इस रिएक्टेंट का कॉफिशेंट क्या है? वन। इसका कॉफिशेंट क्या है? वन। तो इससे भी एक मोल डिक्रीज होगा, दैट इज बी माइनस एक्स। और फिर जितने ये मोल्स कम हो रहे हैं, देखो रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका एक मोल डिक्रीज होगा। अगर इसका एक मोल डिक्रीज होगा तो इसके एक मोल बनेंगे। या यू कैन से कि जब एक मोल रिएक्टेंट ए फिनिश होगा तो एक मोल बी भी फिनिश होगा, और एक मोल सी और एक मोल डी बनेंगे। इसे बोलते हैं स्टोकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कॉफिशेंट से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितना अमाउंट कंज्यूम होगा और कितना अमाउंट फॉर्म होगा। तो वी कैन सर राइट। ये रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, यस ये मैं तो बहुत इजीली ले रहा हूँ कि आपने स्टोकियोमेट्री। ए का कॉफिशेंट क्या है? वन बी का वन कॉफिशेंट? वन तो वन ए का एक मोल कंप्लीटली बी के कितने मोल से रिएक्ट करेगा? वन मोल वन मोल से। सर, और सी के कितना मोल्स बनेगा? और डी का? वन। वन मोल तो अगर मैं बोलूं कि ए से एक्स मोल गया तो बी से भी कितने मोल्स जाएगा? एक्स मोल्स। हाँ, जब इसे जितना इसका कॉफिशियन वन, कॉफिशियन वन, कॉफिशियन वन, कॉफिशियन वन, तो इसे एक्स जाएगा तो इसे भी एक्स जाएगा, ये कितना बनेगा? एक्स और एक्स। एक्स एक्स हाँ, दैट इज स्टोकियोमेट्री, राइट? यस सर, नाउ रेट का क्या मतलब होता है? रेट के बारे में बच्चों हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, उसमें रेट की ही स्टडी की गई है पूरे थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत हम समझ लेते रेट होता क्या रेट में है। टाइम जीरो लिया है सब में, क्या टाइम जीरो। टाइम जीरो? टाइम जीरो का मतलब होता है केवल रिएक्टेंट प्रेजेंट है। अगर हम प्रोडक्ट अपने तरफ से ना लें तो हम बोलते हैं रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड। टाइम जीरो का मतलब है रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और उस टाइम पे जनरली हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स होते हैं। ठीक है, और यस सर, किसी टाइम टी पर क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। फॉर्म। यस या नो? यस सर, तो अभी जो मैंने लिखा है ना बच्चों, इस पे अभी वापस आएंगे। अभी इतनी जल्दी मुझे, क्योंकि यही सब करना है चैप्टर में। पहले हम रेट समझते हैं कि रेट क्या होता है। सो व्हाट डू मीन बाय रेट? वन सी का रेट होता है स्पीड, जिसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, दैट इज रेट। यही तो होना चाहिए रेट, स्पीड। क्यों बच्चों? यस सर, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, क्या ए और बी के मोल्स डिक्रीज नहीं होंगे? यस सर, और सी क्या और डी के इंक्रीज सी और डी के होंगे। इंक्रीज हो गए? दैट्स इट। तो इसको अगर हमें लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या हमारा ए है, मान लो कोई ए रिएक्शन रिएक्शन
रिएक्शन में सिंपल आर टू पी लेता हूँ, जहाँ पर हमारा आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। तो इसका अगर हमें लिखना हो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इसे लिखूँगा, इसका रेट मैं लिखूँगा रेट इक्वल टू डी आर, या इसे लिखता हूँ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर। ये साइन बच्चों किसका होता है, कंसंट्रेशन का, किसका होता है, कंसंट्रेशन। देखो जब अगर आप ऐसे पढ़ोगे इसे, इसे क्या पढ़ोगे, H प्लस को, H प्लस आयन, ये तो पढ़ोगे। यस सर। अगर मैं H प्लस आयन को इस स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर दूं तब इसको क्या पढ़ोगे, चेंज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हाँ, जैसे इसका नाम क्या होता है बताओ, सी एम एस का नाम क्या होता है, क्लोराइड आयन, क्या पढ़ते, क्लोराइड आयन। और मैं इसे अगर लिख दूं तो इसे क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। वेरी गुड, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या मतलब हुआ इसका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये क्या हो गया, रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आर, एंड रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पी क्या होगा, डेल्टा पी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। नहीं समझे बात को सर, समझ गए, समझ गए। देखो और थोड़ा समझो, अभी आर से पी जा रहे बच्चों, ठीक है, टाइम टू इक्वल टू जीरो पर, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, किसी टाइम टी वन पर ये आर वन है और ये कुछ पी वन है, ठीक है। यस सर। आर वन का मतलब क्या है कि ये मान लो इसके लिए इसकी इसके मोल्स ए थे, ये जीरो था शुरू में, ये ए माइनस एक्स हो गया तो ये क्या बना एक्स, तो ये आर वन मैंने मान लिया ए माइनस एक्स और पी वन हो गया एक्स। किसी टाइम टी टू पर ये भी आर कुछ और कम होगा तो ये मान लिया कि ये आर टू बचा और ये क्या हो गया पी टू। नहीं समझ रहे बात को, समझ गए सर। तो रेट क्या होगा, रेट लिखोगे, रेट जब इसका लिखोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम, तो रिएक्टेंट की चेंज कैसे लिखोगे, आर टू माइनस आर वन कंसंट्रेशन आर टू माइनस कंसंट्रेशन आर वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। नहीं समझे सर, समझ गए। पांच मिनट में मान लो ये आर वन था, दस मिनट में ये आर टू हो गया। यस सर। अच्छा ठीक है सर, तो हमने आर क्यों नहीं लिया, आर वन क्यों लिया, टाइम के साथ रेट को टाइम से लिखते हैं ना, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो मैंने बोला ना कि टी वन पर आर वन है, टी टू पे आर टू है, तो आर वन आर टू लेंगे ना टाइम के साथ। टी टू माइनस टी वन पे क्या कंसंट्रेशन है, आर वन, और टी टू पे क्या है, आर टू। सर हम दूसरे टाइम की भी ले सकते हैं ना, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, टी जीरो पे ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकती हो, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट लिखना वहीं पे तो कैसे लिखोगे, P2 minus P1 divide by T2 minus T1 concentration है ना। अब मुझे बताओ R1 और R2 में ज्यादा कौन है, ये कौन बताएगा, R1 सर, R1। मतलब सभी लोग इस बात से कंफर्म हो ना कि सब एक ही दो बच्चे सोच रहे कि आर वन जाता है, और आर वन ही जाता है। ओके और पी वन पी टू में कौन जाता है, क्योंकि टाइम के साथ, टाइम के साथ आर वन डिक्रीज होता है, सॉरी रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज होता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसलिए अच्छा कभी कभी बोलते हो कि किसी की वेलोसिटी माइनस टू मीटर पर सेकंड है, ऐसे बोलते हो, माइनस टू मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, नहीं बोलते ना। नो सर।
उसे स्पीड या रेट को कभी माइनस में बताओ, अगर मैं इसको ध्यान दूँ तो बताओ ये माइनस आएगा प्लस आएगा, बताओ ये माइनस आएगा प्लस आएगा, जब आर वन आर टू से बड़ा है माइनस आ जाएगा ना, और रेट कभी निगेटिव, क्या रेट कभी निगेटिव हो सकता है? नो सर, क्योंकि तो स्पीड है, इसलिए जिसकी कंसंट्रेशन कम होती है उसके आगे निगेटिव लगा देते हैं, सो दैट कि रेट क्या आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसलिए रिएक्टेंट के रेट को नेगेटिव लिखते हैं, प्रोडक्ट के रेट को हमेशा पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन रेट को नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, मतलब इसके आगे नेगेटिव लगा रहे हैं, सो दैट कि रेट क्या आए, पॉजिटिव। हाँ, नहीं समझे बात को सर? समझ। और रेट में इतना ध्यान भी नहीं देना है, मतलब सर हम यहाँ से डेल्टा टी को कट कर दे तो, कौन से डेल्टा टी को, ये वाले? यस सर, टाइम को। अच्छा, इस टाइम को? यस सर, सेम टाइम। तो जब सॉल्व, जब ये पूरा एक यूनिट एक चीज है, आप क्या बोल रहे हो पता है, आप क्या बोल रहे हो, ये पूरा एक बात है, ये मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट का रेट और ये लिख रहा हूँ रिएक्टेंट का रेट, ये क्या लिखा हुआ है? सर हम इसे कट कर दे तो वैसे दोनों साइड इक्वली तो है। अब आपको मैथमेटिकली इसको कट करना तो कर सकते हो, लेकिन आप थ्योरेटिकली नहीं कट कर सकते, क्योंकि रेट लिखा हुआ ना, रेट ऑफ पी रेट ऑफ आर, ये दोनों कट कर सकते हैं फिर हम, क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब कट कर सकते, क्वेश्चन एक भी होगा नहीं इसमें पहली बात तो, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो आपको बात पूरी पता चलेगी। क्वेश्चन में ही दे दिया कि 5 मिनट में इसकी कंसंट्रेशन ये है और 10 मिनट में इसकी ये है, तो यहाँ पर चेंज इन टाइम क्या आएगा, 10-5, यहाँ भी क्या आएगा 10-5, सॉल्व तो ऐसे करोगे ना, चेंज इन टाइम नीचे रखोगे ना, जब रिएक्टेंट पूछा कि रेट रिएक्टेंट का क्या रेट होगा, रिएक्टेंट का रेट क्या होगा, तो क्या करोगे, रिएक्टेंट का रेट क्या लिखोगे, 10-5 ऊपर जो उस पर वैल्यू है वो लिख दोगे, आंसर निकालोगे। अब मान लो आपको ये दे रखा है रेट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इतना है, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, मैं बोल दूँ कि अच्छा रेट की यूनिट क्या होगी, पहले ये बताओ मुझे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, मोल पर सेकंड? नहीं, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है बताओ, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, राइट, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ये होता है ना, जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा मोलैरिटी होती है वो, राइट सर? हाँ यस। और नीचे टाइम है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, या मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर पर आवर, तो यूनिट क्या होगी रेट की, मोल पर लीटर लीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। जैसे फिजिक्स में एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो इसमें डेल्टा टी को कट करके दूसरा फॉर्मूला नहीं आ सकता, ड्राइव करते हैं, यहाँ भी ड्राइव करते हैं, लेकिन सर आप कट कर दो ना, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। नया फॉर्मूला, क्या नया फॉर्मूला आएगा दीदी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, आगे नया फॉर्मूला, समझो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट सही लिखी हुई है, बोलो क्या ये रेट की यूनिट ये सही है? यस सर। कंसंट्रेशन किसमें होता है, मोल पर लीटर में, और टाइम किसमें हो सकता है, सेकेंड में या मिनट में, तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड। मैं इसमें बेवजह टाइम को कंज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, बट रेट सब लोग एक बार जल्दी से मुझे बता दो, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली घटता है और प्रोडक्ट का क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होती है। हाँ। सर रेट को P2-0 ले सकते हैं अगर टाइम जीरो है तो? हाँ ले सकते हैं, जब जिस टाइम पे दे रखा हो, जो आपको फॉर्मूला ये है T2-T1, अब T1 जीरो है तो जीरो पुट कर दो, जो भी है कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्वेश्चन जब आएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इक्विलिब्रियम की बात तो यहाँ पे हुई नहीं, और
इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हो सकता है? जब जितनी स्पीड से रेट फॉरवर्ड जा रहा है उतनी स्पीड से रिएक्टेंट का रेट भी हो जाए, रिएक्टेंट के फॉर्मेशन का रेट भी हो जाए, तब उसमें आता है क्या? इक्विलिब्रियम। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ वही मतलब, वही मतलब। अब मैं जैसे मैंने अभी बात की कि R से P हो जा रहा रिएक्शन, तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मानते नहीं मानते हो? यस सर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स रिएक्टर में तो बनाने लग जाएंगे। यस सर, यस सर। एक बार बताओ मुझे सच्ची सच्ची, वही तो मैं पूछ रहा था कि इक्विलिब्रियम कब आ सकता है, इक्विलिब्रियम कैसे केमिकल रिएक्शन में आ सकता है? तब अगर मान लो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिएक्टर मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि वापस रिएक्टर बनाएं? नो सर। हाँ तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या एक बैलेंसिंग ऑफ फोर्स नहीं है? यस सर। जिस टाइप का फोर्स, हाँ जिस टाइप का फोर्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में है उसी टाइप का फोर्स किस में होना चाहिए? प्रोडक्ट में। अगर हाँ, वेरी गुड। और तब रिएक्शन क्या हो सकती है? रिवर्स इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आ सकता है। समझ गए बात को? यस सर। सर इक्विलिब्रियम में दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं? ना, नंबर ऑफ मोल दोनों साइड इक्वल नहीं होते। सिंपल सी और रिएक्शन है ए प्लस बी चेंज इन टू सी प्लस डी। अभी इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ हमारा। ए प्लस बी से सी प्लस डी है, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। ठीक है, अगर मैं मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इनिशियल रिएक्शन में प्रोडक्ट ही बनेगा ना बेटा, इनिशियली तो प्रोडक्ट ही बनेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी? या फॉरवर्ड रिएक्शन कब ज़्यादा जाएगी, जब ए और बी की क्वांटिटी ज़्यादा हो या कम हो? सर ज़्यादा हो। ज़्यादा हो, इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर ए और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी, इनके मोल ज़्यादा होंगे, तो इनके बीच में कोलिजन होंगे, आपस में टकराएंगे, तब प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट कैसे बनता है पता है आपको? काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में जब 12th पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि रिएक्टर मॉलिक्यूल्स मस्ट बी कोलाइड। कोलाइड मतलब एक दूसरे से टकराते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है कि टू फॉर्म बॉन्ड्स ऑर्बिटल शुड ओवरलैप, नहीं? यस सर। हाँ, बॉन्ड तभी बन सकता है जब ऑर्बिटल ओवरलैप करें। अगर एक ऑर्बिटल, एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो क्या वो दो एटम बॉन्ड बना पाएंगे? नो सर। हाँ, वैसे यहाँ पे है कि अगर ए बी से कोलाइड नहीं करेगा तो बॉन्ड बनेगा नहीं। बोलो। यस सर। यस सर। अब बताओ मुझे, अगर ए के पार्टिकल बी के पार्टिकल ज्यादा है कंटेनर में, तो उनके बीच में कोलिजन होने के ज्यादा चांस है कम चांस है? सर ज्यादा। ज्यादा ना, तो फिर अगर ए और बी ज्यादा कोलाइड करेंगे तो सी और डी बनने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। फॉरवर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स आप फॉरवर्ड रेट की बात कर रहे हो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की बात कर रहे हो। अब मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो एक क्वेश्चन लगा दिया के एफ, दैट इज कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी, जहाँ पे के एफ को बोलते हैं फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट।
कांस्टेंट, ठीक है, एफ होता है। क्वेश्चन वन, इसी तरीके से जब सी और डी की क्वांटिटी कुछ बन जाएगी और मैं कह रहा हूँ कि सी और डी मॉलिक्यूल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें नेचर ऑफ फोर्स जो है वो ए और बी के नेचर ऑफ फोर्स के एक जैसा है, मतलब जो अट्रैक्शन इनके बीच में है वही अट्रैक्शन इनके बीच में है, तो फिर सी और डी ए और बी भी बना सकते हैं, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स ज़्यादा नहीं है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन। अगर सी और डी के मॉल बहुत कम मोल्स फॉर्म हुए हैं तो क्या उनके बीच में कोलिजन ज्यादा होंगे, नहीं होंगे, नो सर, कम होंगे ना, तो जब सी ओ की सी और डी की मोल ज्यादा हो जाएंगे तभी तो वो ए और बी वापस से बनाएंगे, और तभी बनाएंगे जब इनके बीच में बैलेंसिंग ऑफ फोर्स हो, यानी फोर्स का ज्यादा डिफरेंस ना हो। अब प्रोपोर्शन हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया के बी, के सबस्क्रिप्ट बी, कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी, ठीक है, जहां पे के बी क्या है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। के बी और के पी, यह बताओ क्या लिखा, बी फॉर बैकवर्ड रेट, बी रेट कांस्टेंट। अरे के बी और के एफ की क्या कोई वैल्यू भी है? रेट कांस्टेंट है, वैल्यू तो होती है, फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड रेट की वैल्यू बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होंगी, क्या है वो, हे भगवान, दुनिया में कितनी रिएक्शन है ये बताओ, पहले इसका जवाब दो। बहुत सारी, तो के एफ ओ के बी कितने होंगे, बहुत सारी, तो क्या मैं पागल हूँ जो इतने सारे के एफ के बी याद करूंगा, बोलो यस यस सर, बोलो यस सर, देख नो सर। तो फिर के एफ के बी की जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो के एफ के बी गिवन होगा, लेकिन के एफ के बी किस रिस्पेक्ट में गिवन होगा वो मैं आपको बताता हूँ किस रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओके बच्चों, तो के एफ के बी के बारे में चिंता ना करें, ये सब गिवन होगा पर जानने की इच्छा जरूर रहनी चाहिए, ओके शाबाश। अब मैंने फॉरवर्ड रेट लिख दिया और बैकवर्ड रेट लिख दिया कि भाई ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएंगे और सी और डी भी कुछ टाइम के बाद ए और बी बनाने लग जाएंगे, लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाए कि जिस रेट से सी और डी बन रहा है उसी रेट से ए और बी बनने लग जाए, ए और बी बनने लग जाए, देखो ये बच्चे ने कितना अच्छे से बोला है, ए और बी बनने लग जाए तो क्या आ गया रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम। अच्छा तो अब मैं देखो क्या लिखूंगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्यूआई का मतलब इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर एफ का मतलब क्या है, Rate of forward reaction. अब दोनों रेट को इक्वल कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या कर दो बच्चों, इक्वल कर दो, जब इक्वल करोगे दो कैसे लिखूंगा मैं, फॉरवर्ड क्या था के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, बैकवर्ड क्या था के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, अभी तक कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, नो सर, ओके ओके सर, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी, एक बार इसका रीजन दोबारा से बता दो, ये अब रिएक्शन जब हटा दी तब तो आपने, तब आप दोबारा पूछ रहे हो, बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी, जब प्रोडक्ट, बैकवर्ड मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, तो रिएक्टेंट कब फॉर्म करेंगे, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा होगी तभी तो रिएक्टेंट वापस से बनेगा, यस सर, हाँ तो बैकवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है सी और डी थे, ए प्लस बी से सी प्लस डी थे ना रिएक्शन, ठीक है, यस सर,
तो सी और डी जब ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में कोलिजन ज़्यादा होंगे, तभी जाके बैकवर्डेशन होगी। अभी एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप चिंता मत करें। ये क्या लिखा है बताओ, फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट टू द रेशियो ऑफ बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो जिस बच्चे ने पूछा था के एफ के वी गिवन होगा क्या, तो अगर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना होगा तो के एफ के वी को देना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अब बच्चों बताओ व्हाट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, कौन डिफाइन करेगा? और आप लोग डिफाइन करोगे, मैं लिखूंगा नहीं इसको। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट टू द बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट। एक बार कोई और अच्छे से डिफाइन कर दो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जिससे मुझे लगे कि आप लिख सकोगे, लिख सकोगे इसको। इट इज द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कॉन्स्टेंट टू द बैकवर्ड रेट कॉन्स्टेंट, रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अगर किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम लिखना हो तो देखो इसमें ऊपर क्या आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आती है, बच्चों अभी बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो 35 है, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो। आज तो ठीक ठाक बच्चे आए, कोई एक मॉनिटर, कल मॉनिटर मुझे बनाना है इस क्लास में, कब बनाऊंगा मैं। ले लिए बच्चों, स्क्रीन शॉट ले लिया? ये देखो कोई बोल, एक काम कह दो तो सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई काम ले लिया सर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिएक्शन है ए गैस से बी गैस, ठीक है बच्चों, मैं पूछूं इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, बहुत सिंपल। यस सर। नहीं सिंपल है? यस सर। यस सर। और कुछ लोग बोलो है कि नहीं सिंपल है? सर है सर। इतने सारे बच्चे हैं, 5 to 6 स्टूडेंट खाली बोलते हैं, और नीचे वाले पता नहीं, या कुछ बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं, कुछ नहीं पता चलता। मैं सबका वीडियो ऑन कराऊंगा कल से। अच्छा एक चीज सुनो सर, नहीं नहीं मत कहना, बस देखो ध्यान से, जैसे बच्चों वाटर लिक्विड और वाटर गैस है, अभी हम इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, अभी कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने, वाटर गैस है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है वाटर लिक्विड वाटर गैस के बीच में। यस सर। इस रिएक्शन में कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्या? कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्या? नो सर। तो, हाँ, ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले सेम रहते हैं, दैट मींस कंपोनेंट एक ही रहता है, उसे बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, फिजिकल का मतलब क्या होता है? ओनली स्टेट चेंज है, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। लिक्विड से गैस जा रहे हो, स्टेट चेंज है ना बच्चों? बोलो यस सर। लेकिन ऐसा हो कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस चेंज इनटू 2HCl गैस, केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, आप सभी लोग नाइन्थ पास करके आए हो ना बेटा? यस सर। नो सर।
टेंथ भी पास करें। हाँ टेंथ में, कभी कभी नाइन्थ में सीधा प्रमोशन हो जाए टेंथ में, इसलिए। तो यहाँ पर केमिकल चेंज है ये, और केमिकल चेंज में बताओ सभी की स्टेट क्या है, सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। तो इसे बोलते हैं, अगर स्टेट सेम है तो बोलते हैं होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल है ना, तो क्या हो जाएगा, यस सर, होमोजीनियस केमिकल होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। और अगर ऐसे लिखा हो CaCO3 सॉलिड से इक्विलिब्रियम CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? हेट्रोजीनियस केमिकल क्योंकि इस, इक्विलिब्रियम। हाँ ये केमिकल है कि नहीं पहले बताओ, केमिकल है कि नहीं, क्योंकि कंपाउंड चेंज हो रहे यस हैं, सर, लेकिन यस लेकिन होमोजीनियस है हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लाइक दिस। सर ये नेम है, एक दो वापस हम आते हैं, अभी इक्विलिब्रियम को और समझते हैं थोड़ा सा। देखो अभी इक्विलिब्रियम में इतना सीखा है कि इक्विलिब्रियम तभी होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, ये सीख लिया आप लोगों ने ना इतना, लेकिन अब इसका और क्या मीनिंग है अभी आप समझाता हूँ। पहले एक चीज़ और समझो, बताओ बच्चों ये क्या है? कोई कंटेनर कर कोई कंटेनर, बीकर, कुछ भी कह लो ना, और इस बीकर में ये क्या है? वाटर वाटर मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बच्चों, जब भी बीकर में कुछ लो तो वो पानी हो सकता है, कुछ और नहीं सकता, सर, कुछ भी है, पॉल्यूशन पॉल्यूशन हो सकता है ना। पॉल्यूशन। मतलब पॉल्यूशन, मतलब आपको क्या लगता है मैं क्या हूं, मतलब मैं बीकर में पॉल्यूशन लेके बैठूंगा? सॉल्यूशन बोला था। सॉल्यूशन अच्छा सॉल्यूशन, ठीक है ओके, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि इस बीकर में पानी ही है, पता लेकिन था। ठीक है। और इस पानी को आपने हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में। वेपर पहली बार ऐसा पानी देखा है जिसमें पानी नीला हो वेपर हरे हो? नो सर, नो सर। ओके चलो मैं वेपर को ब्लैक ब्लैक कर देता हूं, ये वेपर है ठीक है, लेकिन बीकर क्या है, बंद। बीकर क्या है, बंद क्लोज बोलो, बंद क्लोज थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में, बीकर क्लोज्ड है ठीक है। क्लोज है। अब आप इसको हीट करते जा रहे हो ठीक है बच्चों, जब हीट करते जाओगे यस सर, तो ज्यादा ज्यादा वेपर बनेंगे, कम वेपर बनेंगे? ज्यादा से हाँ ज्यादा, धीरे धीरे ज्यादा बनने लग जाएंगे। मतलब बनेंगे ना, ज्यादा चाहे धीरे बने चाहे जोर से बने, बनेंगे ना धीरे धीरे वेपर ज्यादा है, ठीक है। चलो वेपर बन गए, बनते 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 वेपर बहुत सारे हो गए, और बीकर आपने क्या कर रखा है, क्लोज। कवर्ड देखो तो इसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब वेपर की वापस कंसंट्रेशन रीच पानी जाएगी, बनने लग जाएगा, पानी बनने लग जाएगा, उस हाँ जब वेपर की कंसंट्रेशन रीच हो जाएगी, पर डिपॉजिट हो जाएगा कवर पे, लिक्विड। हाँ वो भी होगा, लेकिन वो किसके फॉर्म में डिपॉजिट होगा, लिक्विड के फॉर्म में। हाँ तो क्या लिक्विड होगा कि जब वेपर के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वेपर के पार्टिकल पास नहीं आने लग जाएंगे, उनके बीच में इंटरबॉडी का डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उनमें फोर्स क्रिएट होगा, तो जब फोर्स क्रिएट होगा तो ये वापस से लिक्विड बनाने लग जाएंगे नहीं? और आप और लिक्विड बनाने लग गए, लेकिन लिक्विड तो आपको पता है कि वेपर में कन्वर्ट हो ही रहा है ऐसे, तो अब क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद लिक्विड से वेपर बन रहा है और वेपर और से वेपर से लिक्विड लिक्विड बन रहा है, लिक्विड। एंड द टाइम कम व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन मतलब वाटर से वेपर का बनना, बिकम इज इक्वल टू द इक्वल्स रेट टू ऑफ रेट्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, और क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया फिर, ये इक्विलिब्रियम, इसे क्या बोलेंगे, वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम इन वाटर वेपर। पता है कभी ध्यान देना, वाटर को टेम्परेचर देते रहो लेकिन उसका टेम्परेचर कभी 100 से ज्यादा हो सकता है? नो सर,
तो फिर जो टेम्परेचर देते हो, जो हीट करते हो, फिर जाता कहाँ पे सारा? फिर लेटेंट सर, स्टेट चेंज करने में। हे भगवान, मुझे उठा ले जाओ इस दुनिया से। आप नाइन्थ का नहीं भूल पा रहे, लैटिन लैटिन हीट तो हो चुकी ना, लैटिन हीट तो हो चुकी ना, जब वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो लैटिन हीट तो पहले यूज हो चुकी है ना दादी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि वाटर का टेम्परेचर, वाटर को हीट करते जा रहे हो, हीट करते जा रहे हो, तो वो 100 डिग्री से ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसके बाद जब हीट करते हो, तो जितनी भी एनर्जी होती है वो रैंडमनेस में चली जाती है। किन चली जाती है? रैंडमनेस में, एंट्रोपी में, एंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए देखना, वाटर टेम्परेचर कभी भी 100 ज़्यादा नहीं हो पाता। चलो अच्छा, मैं कम टू द पॉइंट। वाटर लिक्विड से वाटर गैस बन गया, ठीक है, और सर क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। ये आ गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, ये हुआ क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर गैस, ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? नो सर, इक्विलिब्रियम का मतलब देखो, नंबर ऑफ अब समझ मोल्स। जाओ, अब बहुत देर हो गई इक्विलिब्रियम समझते समझते, अब समझ जाओ। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एक टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। सी कांस्टेंट हो जाए, मैं कह रहा हूं इक्वल हो जाए, ये नहीं कह रहा हूं मैं। ओके सर, हाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ जब कंडेंसेशन हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अब जितना वाटर है लिक्विड है उतना ही रहेगा, और जितना वाटर गैस है उतना ही रहेगा। क्यों? कि जब दोनों का रेट बराबर हो गया, तो जितना वाटर लिक्विड में, जितना वाटर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस या नो? यस सर, यस सर, बताओ, इतनी अच्छी बात कही है, दो लोग बोल रहे हैं सर बस। यस सर, यस सर, यस यस सर, यस सर, वंशिका आप क्या कहते हो? यस ओके तो जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, तो बहुत फास्ट मतलब माइक्रो सेकेंड में, अगर मान लो दो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हुए, तो दो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो गए, तो क्या कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट नहीं हो गई? यस सर, हो गई सर, अब हो सुनो, मान जाएगी। लो वाटर हमारे पास 1/2 लीटर है, और वेपर जो है वो 0.6 लीटर गैस है। तो अब ये 0.6 है और ये 0.5 लीटर है, दोनों की कंसंट्रेशन अब क्या बची है? कांस्टेंट। लेकिन के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या मैं ये कह रहा हूं कि जितना वेपर है उतना वाटर है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना मैं? नो सर, नो हाँ सर, वेरी गुड, नो सर, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिखने लग जाए, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया है, और इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। लेकिन एक चीज बताना बच्चों, सच बताना एकदम, और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। सच के सिवा कुछ बोलोगे आप? नो ओके okay. क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है? सर, नो सर, नो सर, क्या इक्विलिब्रियम वो स्टैटिक स्टॉप हो है? गई तो रिएक्शन होगी ही नहीं। क्या इक्विलिब्रियम स्टैटिक है, डायनामिक है? डायनामिक, डायनामिक डायनामिक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हमें क्यों दिख रही है? कांस्टेंट इसलिए दिख रही है क्योंकि वो बहुत फास्ट तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, बट रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। दोनों साइड ऐसे क्या करती थी, चलती रहती है, लेकिन इतनी फास्ट चलती है कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, बट इक्विलिब्रियम चलती रहती है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखूंगा, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। जो हम जो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ये हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम है बच्चों, ठीक है? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक होता है, बिकॉज बिकॉज जो रिएक्शन है वो दो डायरेक्शन में चलती रहती है, पर द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट लुक्स कॉन्स्टेंट।
ओके 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 सर। तो इस पॉइंट को एक बार मैं रिपीट करता हूं, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक नॉट स्टैटिक बिकॉज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट स्टॉप, है ना, चलता रहता है दोनों तरफ, बट रिएक्ट कंसेप्टेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लुक कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत नहीं? सर ओके okay, चलो अब थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम समझ गए ना हम लोग। तो कोई बताएगा मुझे कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? अब मुझे एक दो पॉइंट बताओ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इट इज डायनामिक, हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, वेरी गुड, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, और इट इज रिवर्सिबल, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कम बिकम्स कांस्टेंट एट एनी एट सम टाइम, है ना, ओके यस सर। चलो इसको हम लोग अब ग्राफ से समझते हैं। किसे समझ समझेंगे किसे समझेंगे ग्राफ ग्राफ, ग्राफ। तो चैप्टर तो अब कल से ही स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन अब ग्राफ समझते हैं इसको। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, हमने प्लॉट किया है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। बताओ इनिशियली किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट इज समवेयर हियर, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इनिशियल प्रोडक्ट को मैं क्या मान लू, जीरो मान लू, जीरो, तो प्रोडक्ट जीरो, yes. ठीक है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की अमाउंट घटेगी और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो रिएक्टेंट ये डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, और फिर ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये क्या आ गया, इस पॉइंट से क्या आ गया बच्चों, इक्विलिब्रियम। नहीं समझ आया, समझ आया कि नहीं आया सर? फिर इसके आगे स्ट्रेट लाइन कैसे आई? हाँ किस तरह, अब तो ना प्रोडक्ट खत्म हो रहा है ना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, बस आपस में कॉन्स्टेंट की वैल्यू बनी रहेगी। कुछ देखो दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर दो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों तरफ से चलती रहेगी बस, जब तक आप टेम्परेचर एक्सेट्रा को चेंज नहीं करोगे, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को एक ही एक्सेस पे लेना है? जरूरी नहीं है, ये एक प्लॉट है, अभी दूसरा बताता हूँ, चिंता ना करें, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक समझ आ गया सबको? यस सर। ओके देखो दूसरा देखो, फिर से कंसंट्रेशन, यहाँ पर रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट। अच्छा यस सर, ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो ध्यान से, ये रिएक्टेंट हमारा जा रहा है ऐसे करके, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और बाद में कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है बाद में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या समझे बात को? तो इन दोनों से दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो रही इस पॉइंट से, यस सर। यहाँ पे क्या आ गया फिर, इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड। नहीं समझ आया? आ गया सर। हाँ आ गया, जब दोनों की रेट, अभी एक दो ग्राफ और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।